सदर थाना इलाका स्थित पलवल के गांव बावनीखेड़ा में शराब माफियाओं पर महिलाओं की एकजुटता भारी पड़ती दिखाई दे रही है। गांव में शराब को खुलेआम बिकने से पुलिस प्रशासन भी नहीं रोक पा रही है, लेकिन अब स्थानीय महिलाओं ने एकजुट होकर शराब माफियाओं को शराब बेचना भारी कर दिया है, जिसके चलते आए दिन ये महिलाएं पुलिस और मीडिया को मौके पर बुलाकर शराब विक्रेताओं के घर से शराब बरामद करवा रही है। अवैध शराब बिक्री को लेकर पुलिस कार्यवाही से स्थानीय निवासी असंतुष्ट हैं। खैर, जिस तरह से बामनीखेड़ा में महिलाओं ने शराब तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, अगर इसी प्रकार देश भर में लोग जागरूक हो जाए तो समाज में असामाजिक तत्वों का पनपना मुश्किल हो जाएगा। सट्टा सब कुछ ओपन हो रहा है आज के, और गाली गलौज गंदी गंदी बात देते हैं, और इतना वो कर रहे हैं, पुलिस के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, आते और चले जाते, पुलिस छोड़ देती है यहाँ से थोड़ी दूर पर जाती है और बस बंद कर देती है। और रात हमने दो पेटी जब्त करी यहाँ पे, कोई ठेका नहीं है यहाँ पे, कोई 20 जगह बिक्री है मोहल्ले में। पुलिस को कई बार शिकायत कर दी है हमने, मौके पे पकड़वा भी दिए हैं, लेकिन पैसे लेकर उनको रास्ते में छोड़ जाते हैं, और उनके घर वाले बाद में ये कहते हैं कि हमारा फलान ठेका काट लो, कुछ नहीं होगा। परेशानी यही है, समाज सब इकट्ठा हो चुका है, जो अवैध कारोबार है शराब के, जो भी तस्कर है उनको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल छापे लगाएंगे और पुलिस को हमने मजबूर कर देंगे कि उनको उठाए यहाँ से, बार बार गिरफ्तारी करें उनकी, क्योंकि पुलिस भी उनको बार बार छोड़ देती है, तो अब ऐसा सहन नहीं होगा। खैर भाई, ये भी अगर कार्रवाई आपके साथ, अभी देखा आपने डीएसपी साहब खुद मौके पे आए हैं, हमने उच्च अधिकारियों को बोला है, डीएसपी साहब ने खुद जाके उनके घर पे गए और दो पेटी बरामद भी किए आज भी, और ऐसे हमें उम्मीद है कि डीएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आज ही शाम से बामनीखेड़ा में परमानेंट एक यहाँ पे पुलिस की जो जिप्सी है वो यहाँ पे तैनात कर दी जाएगी, और जो भी लोग यहाँ आवारा किस्म के जो दारू पीते मिलेंगे या अवैध शराब बेचते मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिली थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से शराब बिकती है, तो इस संदर्भ में हमने पुलिस स्टाफ लेके और जो सदर स्टाफ पुलिस साथ लेके हमने यहाँ पे इनके जो बताए हुए ठिकानों पर रेड की। रेड के दौरान हमें जो शराब बरामद हुई है उसमें देसी है, अंग्रेजी है और रम वगैरह बियर भी है। कितनी शराब बरामद हुई है? ये जो शराब की जो क्वांटिटी अभी हम काउंट कर रहे हैं।